बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जिनका कोई शरीक नहीं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुबहाना ताला हमारे दस्तरखानों को वसी और हमारे दिलों को गनी कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेजिटेबल रायते की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद आइंदा से आप ऐसे ही रायता बनाएंगे। तबीयत को एकदम फ्रेश कर देने वाला ये वेजिटेबल रायता गर्मी के मौसम में लंच और डिनर दोनों का मज़ा दोबाला कर देता है। वीडियो फुल वॉच करके आप भी ये रायता बआसानी बना सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने रायते के लिए दही ले लिया। दही आप ज़रूरत लीजिएगा और इसे अच्छे से बीट कर लीजिएगा। थिकनेस आप पर डिपेंड करती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी मिला के इसे ढीला भी कर सकते हैं। दही हमारा अच्छे से बीट हो गया। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालना शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये हस्बे ज़रूरत है। इसके साथ ही नमक जाएगा। ये भी हस्बे जायका ही होगा। हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ। फ्रेश पुदीना नहीं था मेरे पास, ये सूखा पुदीना है, इसे क्रश करके ये भी डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये रायता बहुत मजेदार होता है तो गर्मी की दोपहरों में दाल चावल के साथ या किसी भी किस्म के चावल के साथ, चपाती और सब्जी के साथ भी, मर्जी के किसी भी चीज के साथ, आपका मेनू कोई सा भी हो, लेकिन गर्मी की दोपहरों में ये बहुत मजा देता है। हल्का फुल्का होता है और जल्द बन जाता है। मेहमानों के आने पर भी आप इसे साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड हो गए। अब हम इसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे। ये खीरा है बारीक चॉप हुआ, एक छोटी प्याली, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है बॉइल लौकी। गर्मी में लौकी का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, ये ठंडी होती है, सुन्नत है, बहुत फायदेमंद है। एक दफा ही लौकी को कद्दूकश करके आप इसे हल्का सा बॉइल कर लें और इसके छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रीज कर लें। बवक्ते जरूरत इस्तेमाल करें, झटपट तैयार हो जाती है इस्तेमाल के लिए। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून ही थी बॉइल की। इतना ही बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये भी तकरीबन सेम क्वांटिटी में है। चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। चॉप की हुई प्याज शामिल कर रहे हैं, फाइन चॉप की हुई है। हम वेजिटेबल्स की मिकदार सेम ही है। 2 छोटी हरी मिर्ची बारीक चॉप करके ये भी शामिल कर रही हूँ उसमें। तमाम इंग्रेडिएंट्स में शामिल हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया। और जनाब, ये हमारा मजेदार सा सब्जी का रायता या वेजिटेबल्स का रायता तैयार है। ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह।
नई नई रेसिपीज, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।